गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इवेपोरेशन। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं बेटा आपसे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जब हम कपड़ों को धोके सुखाते हैं, ठीक है, मीन्स गीले कपड़े जो होते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो कपड़े सूख जाते हैं, क्लियर? मीन्स उन कपड़ों में जो वाटर प्रेजेंट है, हम क्या देखते हैं, वाटर उसमें है ही नहीं, कपड़े सूख गए, ड्राई हो गए बिल्कुल। क्या आपको इसका रीज़न पता है कपड़े क्यों सूखते हैं? बेसिकली अगर हम बात करें, इससे पहले टॉपिक में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो ही वाटर वेपर में चेंज होते हैं, क्लियर? बट अगर इस कंसेप्ट की बात करें, इसमें हम किसी लिक्विड को बिना हीट किए ही उसको वेपर के अंदर चेंज कर रहे हैं। और दूसरा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे हमने छत के ऊपर पानी फेंक दिया ऐसे किसी भी जगह पे, उस टाइम बाद हमने देखा वहाँ पर वाटर है ही नहीं, वाटर सारा वेपराइज हो गया, तो क्या हमने उस जगह को हीट किया? नो, हमने उसको हीट भी नहीं किया, फिर वो वाटर कहाँ गया वहाँ से? मीन्स वो वेपर के अंदर चेंज हो गया। तो इन्हीं क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसके लिए हमें टॉपिक रीड करना है, दैट इज़ द इवेपोरेशन। वट इज़ द मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन का मतलब होता है बेटा लिक्विड को वेपर के अंदर चेंज करना, बट उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले। देखो, हम गर्म करके तो किसी भी लिक्विड को वेपर में चेंज कर सकते हैं, बट कंसेप्ट आता है अगर हम किसी लिक्विड को गर्म किए बगैर ही वेपर्स में चेंज करना चाहें, देन वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इन टू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब भी हम किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर वेपर्स में चेंज कर देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। देखो, बॉइलिंग करके तो हम किसी भी लिक्विड को चेंज कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर एक ऐसा आएगा लास्ट में जिससे वो लिक्विड किस में चेंज होना शुरू हो जाता है? वेपर्स में। बट यहाँ पर हम विदाउट हीट, यहाँ पर हम बॉइल नहीं कर रहे हैं उसको, बिना बॉइल करे ही लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर्स के अंदर चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर भी हम इस फिनोमिना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दो इट इज़ फास्टर एट हाई टेम्परेचर, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ऐसे ऐसे इवेपोरेशन भी क्या होगा? फास्टर होता चला जाएगा। अब इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि जो इसकी एप्लीकेशन आएंगे आगे, जो इसके यूजेज आएंगे, उससे ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर मीन्स, अब जब भी हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, हमें लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर मींस, अगर हमारे पास कोई वाटर है जो लिक्विड स्टेट पर, हमें उस वाटर को वेपर्स में चेंज करना है, तो हमें कहीं ना कहीं हीट की रिक्वायरमेंट है। अब वो हीट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सराउंडिंग से, किसी भी सोर्स पे से। मींस जैसे ही हमने किसी भी जगह पर पानी फेंक दिया, उस टाइम बाद हमने क्या देखा, वहाँ से वाटर इवेपोरेट हो गया। अब वाटर को इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए थी? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट कहाँ से लेगा? वो लेटेंट हीट लेगा उस सरफेस से जिसके ऊपर हमने उस वाटर को गिराया है। क्लियर? सो द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड व्हेन एवर लिक्विड चेंज इनटू वेपर। जब भी कोई लिक्विड अगर वेपर्स में चेंज होगा तो हमें उसको लेटेंट हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। क्लियर? आपने देखा होगा जैसे हमें जब खेलते हैं तो खेलते टाइम हमें पसीने आते हैं, क्लियर, और उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पसीने अपने आप सूख गए, है ना? अब जो पसीने हैं, स्वेट है, वो तो लिक्विड फॉर्म में, अब कुछ टाइम बाद जब हम देख रहे हैं वो वहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो लिक्विड से किस में चले गए? वेपर्स में। तो लिक्विड से वेपर्स में जाने के लिए उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी? हीट की रिक्वायरमेंट थी। अब वो हीट कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? हमारी बॉडी से, क्लियर। और जैसे ही हमारी हीट बॉडी अपनी हीट को लूज कर रही है, इट मीन्स इट फील्स वेरी कोल्ड, और हमें ठंडक महसूस होती है। क्लियर? मैंने इसके कुछ जनरल एग्जाम्पल दिए हैं इसमें। द वेट क्लोथ्स ड्राई ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जो हम गीले कपड़े सुखाते हैं तो कुछ टाइम बाद जब वो सूखना शुरू करते हैं, किस प्रोसेस की वजह से? वो इवेपोरेशन। क्लियर? कॉमन सॉल्ट ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। कॉमन सॉल्ट मतलब जो हम नमक खाते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं उसको? सी वाटर, बिकॉज सी वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो उसमें क्या करते हैं हम उसमें वाटर को जगह जगह पर लार्ज स्वेलो बना के इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है और उसके अंदर कॉमन सॉल्ट भी प्रेजेंट है। अब जैसे उसको सनलाइट मिलती है, सनलाइट मिलने से क्या होगा, कंटिन्यूसली वहाँ से वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा,
और क्या रिमेनिंग रह जाएगा, कॉमन सॉल्व। तो इस प्रोसेस से हम उसको भी ऑब्टेन कर सकते हैं, क्लियर। अब हम इसके पीछे लॉजिक पढ़ते हैं कि लॉजिक क्या है। सम पार्टिकल इन अ लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर, क्योंकि हर लिक्विड के पार्टिकल में कुछ ना कुछ एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम उस एनर्जी को बोलते हैं जो पार्टिकल्स की मोशन की वजह से होती है। बेटे मूविंग पार्टिकल्स ऑलवेज पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी। सो इवन व्हेन अ लिक्विड इज वेल बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे तो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा। सम ऑफ इट्स पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। मीन्स जब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं लिक्विड के जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट होती है बेटा, उन पार्टिकल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने से पहले ही वो एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। और अगर एक बार पार्टिकल्स के बीच में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया, टूट गया, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, रैंडमली स्कैटर्ड करेंगे, मूविंग करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स उसके सरफेस में से एस्केप इजेक्ट होते चले जाते हैं। और जब पार्टिकल्स दूर दूर जाना शुरू होंगे तो इसका मतलब लिक्विड स्टेट से किस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, वो वेपर स्टेट में। दैट्स व्हाई व्हेन दे एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दस द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स। इसलिए वो पार्टिकल्स जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होती है वो क्या करते हैं, लिक्विड से कंटिन्यूसली वेपर्स में चेंज होते रहते हैं और सरफेस से आउट होते चले जाते हैं। इज इट क्लियर। अब मैं आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ इसी चैप्टर टॉपिक के बेस पर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। दोनों लगभग सेम फिनोमिना लगते हैं बट फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंस भी होते हैं और कुछ सिमिलैरिटी भी होती है। तो पहले मैं बात करता हूँ सिमिलैरिटीज की। इसमें सिमिलैरिटी क्या होती है बेटा, देखो इवेपोरेशन भी लिक्विड स्टेट को किस में चेंज कर रहा है, वेपर स्टेट में। दूसरा वेपोराइजेशन भी लिक्विड को किस में चेंज कर रहा है, गैस स्टेट के अंदर। ये तो दोनों में क्या हो गई, सिमिलैरिटीज हो गई। एक लिक्विड से वेपर्स में कर रहा है, दूसरा भी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, क्लियर। अब बात करते हैं हम डिफरेंस की। इवेपोरेशन जो है बेटा, इट टेक प्लेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड को किस में चेंज कर देता है, वेपर्स के अंदर। बट वेपोराइजेशन कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू वेपर्स ओनली एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसके ऊपर करता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा तब तक वो उस लिक्विड को चेंज नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद इसका कंसेप्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। आज हमने इसके सारे फैक्टर्स डिस्कस नहीं करे हैं, हम थोड़े बहुत फैक्टर्स के डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट, क्लियर। सो देर आर फाइव फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन। फर्स्ट इज टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, क्लियर। ये फैक्टर्स ऐसे हैं बेटा, दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन एज वेल एज डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो आज हम बात करेंगे एक तो टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्लियर। सो टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मीन्स यू कैन सी दैट जब हम एक चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा भाई। ऑब्वियसली बात है, एक तो आपने रात को कपड़े सुखाए, ठीक है, रात को टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। एक आपने दिन में कपड़े सुखाए धूप के अंदर, तो किस टाइम कपड़े जल्दी सूखेंगे हमारे, धूप में सूखेंगे। क्यों जल्दी सूखे उसमें, क्योंकि टेम्परेचर क्या है वहाँ पर, ज़्यादा है, क्लियर हुआ ना। आपने देखा होगा, एक तो हम सर्दियों के अंदर अगर अपनी छत पे पानी डालते हैं, ठीक है, तो उसमें नमी रहती है, जल्दी से पानी सूखता नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है बेटा, लो टेम्परेचर होता है, ठंडा होता है उसका, क्लियर। और वहीं एक हम गर्मियों में अगर अपनी छत पे पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा इंस्टेंटली वाटर वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। रीजन क्या होता है इसमें, बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड गेट्स एनफ काइनेटिक एनर्जी टू पास इनटू द वेपर स्टेट।
अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स को एनर्जी भी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, और वो जल्दी से जल्दी किस में चेंज होंगे बेटा, वेपर स्टेट के अंदर। ये इसके एग्जाम्पल है, रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर इज फास्टर ऑन अ हॉट समर डे देन इन द विंटर। क्लियर। वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकर इन द ओपन सन, अगर हम सनलाइट में इसको सुखा रहे कपड़ों को तो जल्दी सूख रहे हैं, और किसके कंपैरिजन में अगर हमने कपड़ों को छाया में रखा। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड नेचर ऑफ लिक्विड। बेटा देखो, बेसिकली दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक होता है वॉलाटाइल लिक्विड और दूसरा होता है नॉन वॉलाटाइल लिक्विड। पहले मैं आपको इन दोनों की डेफिनेशन बताता हूँ, इसको आप बाद में समझना। वॉलाटाइल लिक्विड की अगर हम बात करें, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको बोलते हैं वॉलाटाइल लिक्विड। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो वो जल्दी से वेपर में चेंज हो जाएगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो टाइम लगाएगा वो वेपर में चेंज होने में। क्लियर। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे सपोज करो हमारे पास एक है पेट्रोल, ठीक है, और एक मैंने ले रखा है वाटर। आपने अपने हाथ में एक जगह पर पेट्रोल रखा और एक जगह पर रखा वाटर, कौन जल्दी इवेपोरेट होगा? ऑब्वियसली बात है पेट्रोल, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, किसके कंपेरिजन में? वाटर के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर वाटर तो क्या आ गया, नॉन वोलाटाइल, और पेट्रोल क्या आ गया, वोलाटाइल। तो अब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको तो क्या बोलते हैं, हम वोलाटाइल लिक्विड। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम नॉन वोलाटाइल लिक्विड। द लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर इजिली वेपोराइज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द वोलाटाइल लिक्विड। हीटिंग का मतलब चाहे वो हम पर्सनली हीट कर रहे हैं या वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे इथर, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल, एल्कोहल इवेपोरेट मच फास्टर देन द वाटर, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इवेपोरेशन भी जल्दी होगा उसके अंदर। क्लियर। नॉन वोलेटाइल लिक्विड विच डज नॉट इजिली वेपोराइज ऑन हीटिंग एज कम्पेयर टू वोलाटाइल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड द नॉन वोलाटाइल लिक्विड। क्लियर। अब इसके अंदर बात आती है, इसमें एक रीजन दे रखा है, जितनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के बीच में उतनी ही जल्दी क्या होगा, वो इवेपोरेट होगा, उतनी जल्दी रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ईजिली टूट जाएगी पार्टिकल्स के बीच में से, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी तो लिक्विड स्टेट से किस में चेंज होगा, वो गैस स्टेट के अंदर। सो बाय दिस प्रोसेस वी कैन कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर्स एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज नोन एज इवेपोरेशन। क्लियर। आई होप कि आपको ये जहाँ तक का टॉपिक मैंने आज पढ़ा ये अच्छे से समझ में आया होगा, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू यू बेटा, जितना भी आपको कंसेप्ट करवाया गया है, जितने भी आपको असाइनमेंट दिए गए हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपके असाइनमेंट चेक होंगे। सो आपको उन असाइनमेंट को, एक ऐप आती है बेटा प्ले स्टोर पर कैम स्कैनर, सीरियल वाइज असाइनमेंट 1, 2, 3 जो भी आपको शेड्यूल दिया गया है, गूगल क्लासरूम में आपको मैसेज दिया गया है और व्हाट्सएप पे भी आपके मैसेज है, वहाँ से आप उस मैसेज को फॉलो करेंगे और जिस जिस डे जिस जिस असाइनमेंट को आपसे मांगा गया है आप उन असाइनमेंट को कैम स्कैनर के थ्रू एक डॉक्यूमेंट बना के उसको सेंड करेंगे, चाहे वो आप गूगल क्लासरूम में कर सकते हो, चाहे आप किसी पर्सनल सब्जेक्ट टीचर के नंबर पर आप कर सकते हो। वो आपका जो होमवर्क है टाइम टू टाइम चेक होगा कि आपने कितना काम किया है, कितना काम आपने नहीं किया है, क्या क्या आपकी वीकनेस है, वहाँ पर वो आपको बताई जाए। क्लियर। सो गॉड ब्लेस यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.